स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिलती, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। भारत ने चुकाई भी। ब्रिटिश शासन के अंत होते होते भारत दो हिस्सों में विभाजित हो गया था। इस बंटवारे के दौरान तरह तरह के जुल्म और ज्यादतियां हुई। इतिहासकारों ने 1947 के विभाजन को मानव इतिहास में सबसे बड़ा पॉलिटिकल माइग्रेशन के रूप में डिस्क्राइब किया है, जिसमें लगभग 15 मिलियन लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए थे। ये इतिहास में सबसे हिंसक ह्यूमन माइग्रेशन में से एक था, जिसमें कम से कम 10 लाख लोग विभाजन के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों का शिकार हुए और उसमें मारे गए, और कई अन्य लोगों के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हुए थे। ऐसी कुछ कहानियां मैं पढ़ना चाहूंगी। पहली, हम सब शैतान बन गए। सरदार जोगिंदर सिंह खोली उन दिनों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक गांव में रहते थे। उनके गांव के लगभग सभी पुरुषों को पार्टीशन के समय हमलावरों ने मार डाला था। गांव के 25 लोगों में से 18 एक ही हमले में मारे गए थे। एक सिख महिला ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए एक गुरुद्वारे के अंदर जाकर आत्महत्या कर ली। उस महिला का नाम वीरावली था। वो बहुत खूबसूरत महिला थी, लेकिन उस समय कुछ दूसरे धर्म के लोग उसका पीछा कर रहे थे। हमारे गांव में एक गुरुद्वारा था, इसलिए वह शरण लेने के लिए उसके अंदर भाग गई। उसने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डाला और खुद को आग लगा दी। मानो मानवता मर गई हो, हर कोई शैतान बन गया था। दूसरी कहानी, पूरी ट्रेन को कुचल दिया गया। मोहिंद्रा ढल जब एक छोटे बालक थे, तब उनके परिवार को लायलपुर, जो अभी फैसलाबाद के नाम से जाना जाता है, अपने होम टाउन से भागना पड़ा, जो पार्टीशन के बाद सीमा के उस पार यानी कि पाकिस्तान की ओर स्थित था। उनके परिवार ने आसपास के गांव में लूटपाट और हत्याओं की खबरें सुनने के बाद अपना घर छोड़ने का फैसला किया। उनका कहना है कि उनके पास अपना सामान पैक करने और शहर छोड़ने के लिए केवल कुछ ही घंटे थे। उनका परिवार भारत के लिए एक ट्रेन में चढ़ने में विफल रहा, क्योंकि वहां बहुत भीड़ थी। लोग ट्रेन की छत पर बैठे थे और सबसे छोटी जगह के लिए भी धक्का मुक्की हो रही थी। उनके पिता ने ट्रेन से बाहर आने का फैसला किया और वो और उनका पूरा परिवार वापस रुक गए। अगले ही दिन ये सुनने में आया कि कैसे ट्रेन में सवार सारे लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। आज पीएम मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया है। देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। आगे पीएम मोदी ने बताया कि पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे का ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। हम आगे भी ऐसी कहानियां हाईलाइट जरूर करेंगे। अगर आप भी चाहें तो जरूर हमारे साथ शेयर करें।